हेलो हाय एवरीवन, टुडे विल चेक अ वीडियो बाय ये सिंह, टाइटल आईडीएफसी बैंक उड़ने के लिए तैयार, शेयर एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिंक और मैं हूं आपका दोस्त भरत शंकर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि रीसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में मोर देन 16% का करेक्शन हो चुका है। और इन जनरल स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ न्यूज एंड इवेंट्स की वजह से भी स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से या मार्केट सेंटिमेंट की वजह से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल रीजन की वजह से भी हो सकता है। और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए जो फंडामेंटल रीजन है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और रिसेंटली अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q2 रिजल्ट्स भी आए थे और रिजल्ट्स में प्रॉफिट 35% जंप भी हुआ था और एनआईए जो है नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी 32% जंप हुआ था। लेकिन वही कुछ इन्वेस्टर्स ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रोविजंस भी बढ़े हैं और कंपनी का जो कासा रेशियो है उसमें भी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के इन्वेस्टर कम्युनिटी में कुछ हद तक कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और कंपनी का जो Q2 रिजल्ट्स है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके लिए एक क्विज सवाल भी है और वो सवाल ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है। और जवाब के ऑप्शन है वी वैद्यनाथन, शशिधर जगदीशन या संदीप बख्शी। और जो भी जवाब आपको सही लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं कमेंट्स में कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो नंबर्स है और डेटा है उसको समझने से पहले आपको बैंकिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ नंबर बताता जाऊंगा तो आप एक्चुअल में उन नंबर्स का इंपैक्ट बैंकिंग बिजनेस के ऊपर क्या पड़ रहा है और उसे बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है और बैंक का जो फ्यूचर स्कोप है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है उसको गेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नंबर्स को सही तरीके से समझना और एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड आई अंडरस्टैंड ये सब बात करने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और बहुत लोग कमेंट्स में क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सर आप वीडियो इतना लंबा क्यों बनाते हो, इतना लंबा वीडियो हम देख नहीं पाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर वीडियो लंबा बनता है तो उसमें मेरा मेहनत भी बहुत ज्यादा जाता है और हम इतना मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि हम आपको सही मायने में एजुकेट कर पाए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर या कलेक्टर बनने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है, उसी तरीके से अगर इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए भी सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले बैंकिंग बिजनेस के रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट है बैंकिंग इनकम, जहां पर बैंक दो तरीके का इनकम कमाता है। पहला है नेट इंटरेस्ट इनकम और दूसरा है अदर इनकम। और ये नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, ये बैंक के कोर बिजनेस से आता है। कोर बिजनेस यानी कम इंटरेस्ट पे पैसा लेना, ज्यादा इंटरेस्ट पे उन्हीं पैसों को लोन पे देना। तो इस कोर बिजनेस से जो इनकम आता है वो होता है बैंक का कोर इनकम, जो है नेट इंटरेस्ट इनकम। और जो अदर इनकम है उसमें क्या आता है, बैंक जो फीस चार्ज करता है या जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है या इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह, उससे जो इनकम आता है वो होता है अदर इनकम। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद बैंकिंग बिजनेस को एनालाइज करना है तो वहां पर कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तीन कोर पैरामीटर्स है। पहला कोर पैरामीटर ये है कि बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जितना रिड्यूस होगा बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं उसके ऊपर वो जितना कम इंटरेस्ट पे करेगा बैंक के पास उतना ही ज्यादा पैसे बचेंगे, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर है जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव करता है, यानी जो बैंक लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो इंटरेस्ट जो बैंक में आता है वो बढ़ना चाहिए, और इससे भी क्या होगा, इससे भी बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। और उसके बाद तीसरा पैरामीटर है प्रोविजंस, और ये प्रोविजंस कम होने चाहिए या रिड्यूस होने चाहिए। और ये प्रोविजंस होते क्या है इसको समझना है तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। तो मान लीजिए बैंक ने इन टोटल 100 रुपए का लोन दिया है और इस लोन के ऊपर बैंक को 15% का इंटरेस्ट मिलता है, और अभी बैंक ये एंटिसिपेट करता है कि ये जो 100 रुपए का लोन उन्होंने दिया है उसमें से 10 रुपए का लोन डिफॉल्ट होने वाला है, यानी जिन्होंने भी ये 10 रुपए का लोन लिया है वो हाथ खड़े करने वाले हैं और वो ये बोलने वाले हैं कि हम ये पैसा वापस नहीं लौटा सकते। तो अभी इस डेटा के बेसिस पे बैंक की कमाई कितनी हो गई, तो अभी 100 रुपए में जो 10 रुपए डिफॉल्ट होने वाले हैं या जिसके ऊपर बैंक को पेमेंट्स नहीं आ रहे उसको अगर हम हटाएंगे तो अभी बैंक के पास 90 रुपीज के अर्निंग लोन है जिसके ऊपर उन्हें 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी बैंक को अभी 13.5 रुपीज का इंटरेस्ट अर्निंग्स मिल रहा है। और अभी बैंक ये जो 13.5 रुपीज कमा रहा है उसमें से 10 रुपए उन्हें प्रोविजंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 10 रुपए का डिफॉल्ट होने वाला है उसकी भरपाई कौन करेगा, ऑब्वियसली बैंक को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है उनके
पास बैंक जाके ये नहीं बोल सकता है कि कुछ लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया है इसलिए हम आपके पैसे लौटा नहीं सकते, ऐसा तो बैंक बोल नहीं सकता है। तो इसलिए अभी ये जो बैड लोन्स होने वाले हैं या जो डिफॉल्ट्स होने वाले हैं उसकी भरपाई बैंक को ही करना पड़ेगा, जो बैंक अपने कमाई से करता है। और इसलिए हमारे केस में बैंक को अपने जो 13.5 रुपीज का इंटरेस्ट अर्निंग है उसमें से 10 रुपए प्रोविजंस में रखना पड़ेगा। तो इसके बाद अभी बैंक के प्रॉफिट्स क्या हो गए, 13.5 रुपीज का इंटरेस्ट माइनस 10 रुपीज का प्रोविजन, जिसका डिफरेंस आता है 3.5 रुपीज। तो इस सिंपल कैलकुलेशन से आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रोविजंस जितना बढ़ेंगे बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही कम होगा, और बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी जितना कम होगा अर्निंग्स पर शेयर उतना ही कम होगा, अर्निंग्स पर शेयर जितना कम होगा उतना ही इंपैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर भी पड़ता है। सो आई होप अभी आपको ये सिंपल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी हम कुछ और भी बैंकिंग पैरामीटर समझेंगे जब हम IDFC फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को इन डिटेल में देखेंगे, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज इनफ। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो अभी मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स का जो डेटा लिया है वो मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिया है, और आपके रेफरेंस के लिए जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट है इसको मैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप इस कंप्लीट प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। और आपके रेफरेंस के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इनकम यानी जो इनकम इंटरेस्ट के रूप में बैंक को मिला है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी बैंक ने जो इंटरेस्ट पे किया है, और इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% बढ़ा है, और इस क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 3950 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम कमाया है, यानी ये वो कमाई है जो बैंक के कोर बिजनेस से आ रहा है। और ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसके रिलेटेड अगर आप थोड़ा और हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा 2019 से लेके 2023 तक है, और हर साल कंपनी ने कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ दिखाया है, और लास्ट 4 इयर्स का CAGR इसमें अराउंड 27% के आसपास है। और उसके बाद नेक्स्ट इनकम का कैटेगरी है फीस एंड अदर इनकम का। यहाँ पर कंपनी ने इस क्वार्टर में 1376 करोड़ का अदर इनकम कमाया है, और इस अदर इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% का ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पर ये अदर इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है हम उसका भी ब्रेकअप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोन ओरिजिनेशन फीस है वहां से बैंक को 32% ऑफ द अदर इनकम आता है, क्रेडिट कार्ड एंड टोल से 17%, ट्रेड एंड क्लाइंट एफेक्स से 9%, वेल्थ मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन से 14%, और जो जनरल बैंकिंग फीस और अदर्स है वहां से 28% का अदर इनकम आता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी बैंक जो सैलरीज देता है, रेंट देता है वगैरह वगैरह, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, और वो भी 34% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज ओके क्योंकि बैंक का ओवरऑल बिजनेस भी इसके अकॉर्डिंग बढ़ा है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोविजंस, और ये वही प्रोविजंस है जिसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले डिटेल्ड एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था और समझा था, और वहां पर हमने ये भी देखा था कि प्रोविजंस जितने बढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम होगा, और प्रोविजंस जितने कम होंगे प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। और अभी IDFC फर्स्ट बैंक के केस में इस क्वार्टर में प्रोविजंस जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% बढ़ा है, यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये प्रोविजंस 424 करोड़ थे, जो इस क्वार्टर में ये बढ़ के 528 करोड़ हो गए हैं। और जब भी बैंक के प्रोविजंस बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, बैंक आने वाले टाइम में ज्यादा डिफॉल्ट्स एंटिसिपेट कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है। और अभी ये जो प्रोविजंस 25% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्या ये बैंक के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्या ये बैंक के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है? मे बी नॉट। हाँ, 104 करोड़ का प्रोविजन बढ़ा है, लेकिन ये अमाउंट उतना भी बड़ा नहीं है कि ये बैंक के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो। तभी इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, इन सब से प्रोविजंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और बाकी खर्चे काटने के बाद इस क्वार्टर में बैंक के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है 751 करोड़ का, और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन वही अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 765 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया था, लेकिन वही इस क्वार्टर में वो रिड्यूस होकर 751 करोड़ हो गए हैं। एंड ऑफ कोर्स किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालाइज करते टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ कंसीडर करना चाहिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ कंसीडर करना चाहिए, ये डिबेटेबल है। बट इन जनरल अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं जनरली ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन करता हूं। बट फॉर नाउ IDFC फर्स्ट बैंक में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ग्रोथ हुआ है, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो या अदर इनकम हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो। लेकिन वही अगर आप इसको सिक्वेंशियल बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंसीडर करेंगे तो यहां पर कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा भी डेटा देखने की कोशिश करते हैं जिससे हमें इस कंपनी का जो बैंकिंग बिजनेस है उसके
उसके ओवरऑल हेल्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, तीन मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्रोविजंस। प्रोविजंस तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जहां पर हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोविजंस जो है वो 25% बढ़े हैं। और अभी इसके बाद हम नेक्स्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस फ्रंट पे कंपनी का बिजनेस कैसे दिख रहा है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसको समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कासा रेशियो। और ये कासा रेशियो आपको क्या बताता है, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से कितना परसेंटेज डिपॉजिट्स करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट से आते हैं। क्योंकि जो बैंक के पास करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट्स के रूप में जो पैसे आते हैं उसके ऊपर बैंक लोएस्ट इंटरेस्ट पे करता है। और बैंकिंग बिजनेस में खेल क्या है, जितना हो सकता है उतना लोअर इंटरेस्ट पे पैसे लेना और जितना हो सकता है उतना हायर इंटरेस्ट पे पैसे देना। और इसी रीजन की वजह से जो कासा रेशियो होता है वो किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए, या यूं मान लीजिए रिटेल बैंकिंग कंपनी के लिए, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और IDFC फर्स्ट बैंक के केस में अभी कासा रेशियो जो है वो अराउंड 46.4% के आसपास है। यानी बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उसमें 46.4% ऑफ द डिपॉजिट्स करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट से आते हैं। और अभी ये जो कासा रेशियो है इसको लेकर के इन्वेस्टर्स थोड़े कंसर्न है, क्योंकि मार्च 2021 में ये कासा रेशियो 51.7% था, जो मार्च 2022 में रिड्यूस होकर 48.4% हो गया, और मार्च 2023 में ये फिर से बढ़ के 49.8% हो गया, और अभी लास्ट क्वार्टर में यानी जून 2023 के क्वार्टर में ये फिर से रिड्यूस होकर 46.5% हो गया, और अभी सितंबर 2023 के क्वार्टर में भी ये फिर से 0.1% रिड्यूस होकर 46.4% हो गया है। और ये जो बात है ये थोड़ा इन्वेस्टर्स को कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि कासा रेशियो कम होने से बैंक का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो बढ़ सकता है, जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। यानी 2021 से अब तक कासा रेशियो जो है वो 5.3% रिड्यूस हो चुका है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द बैंक। बट एट द सेम टाइम अगर आप बाकी बैंक्स का कासा रेशियो देखेंगे जो IDFC फर्स्ट बैंक से मार्केट कैप में बड़े हैं, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि HDFC बैंक का जो कासा रेशियो है वो 46.1% के आसपास है, ICICI बैंक का कासा रेशियो 41.8%, कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो 58%, एक्सिस बैंक का कासा रेशियो 45%, इंडसइंड बैंक का कासा रेशियो 43% और IDBI बैंक लिमिटेड का कासा रेशियो 52.61% है। वैसे अगर देखा जाए तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो प्रेजेंट कासा रेशियो है 46.4% वो बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में उतना भी ज्यादा कम नहीं है, वो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर कोटक महिंद्रा बैंक व्हिच हैज एन एक्सेप्शनल कासा रेशियो ऑफ 58%। सो प्रेजेंटली IDFC फर्स्ट बैंक का जो कासा रेशियो है वो उतना भी बुरा नहीं है, व्हिच इज ऑलमोस्ट सेम एज अदर बैंक्स, लेकिन कासा रेशियो 2021 से जो लगातार रिड्यूस हो रहा है वो डेफिनेटली कंसर्निंग है। और आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए बैंक के जो मैनेजमेंट है वो एक्टिवली इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की तरफ और ये जो कासा रेशियो है इसको बढ़ाने की तरफ, या एटलीस्ट अभी जो प्रेजेंट लेवल है वहीं पर इसको स्टेबलाइज करने की तरफ अगर फोकस करेंगे और उसके रिलेटेड रिजल्ट्स लेके आएंगे, देन इट कुड रियली बी अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फॉर द बिजनेस। एंड ऑफ कोर्स जब भी हम कासा रेशियो के बारे में बात करते हैं तो यहां पर बहुत लोगों को कासा डिपॉजिट को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और ये कंफ्यूजन कैसे होता है लेट मी एक्सप्लेन। अभी यहां पर अगर किसी बैंक का कासा रेशियो कम हो रहा है तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि बैंक में जो करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। क्योंकि अभी अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के कासा डिपॉजिट्स देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में उसमें 26% का ग्रोथ हुआ है, और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वहां पर 11% का ग्रोथ हुआ है। तो अभी यहां पर फिर से एक सवाल आएगा, अगर कासा रेशियो कम हो रहा है तो कासा डिपॉजिट भी कम होना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो रहा है कि कासा डिपॉजिट बढ़ रहा है लेकिन कासा रेशियो कम हो रहा है? तो इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अभी अगर मान लीजिए किसी बैंक में टोटल डिपॉजिट 100 रुपए है और इसमें 50 रुपीज कासा से आता है और बाकी के 50 रुपीज अदर सोर्सेस से आते हैं, तो अभी कासा रेशियो कितना हो गया, 50% हो गया। तो अभी मान लीजिए नेक्स्ट ईयर बैंक के डिपॉजिट बढ़ के डबल हो जाते हैं, और इस केस में क्या होता है, कासा से 80 रुपीज आता है और अदर सोर्सेस से 120 रुपीज आता है, तो इसके बेसिस पे क्या हो गया, कासा रेशियो 40% हो गया। तो ये एग्जांपल देख के आपको समझ आ गया होगा कि कासा रेशियो सिर्फ जो डिपॉजिट्स है उसका रेशियो बताता है, कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कासा से आ रहा है और कितना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट से आ रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचना कि कासा रेशियो रिड्यूस हो रहा है तो लोग करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट में उस बैंक में पैसे रखना कम कर रहे हैं, ऐसा सोचना गलत हो सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी यहां पर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर आप अभी रेडीमेड डेटा दे रहे हो और इस डेटा के बेसिस पे ऐसे एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम किसी नए बैंक का एनालिसिस कर रहे हैं या किसी नए स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पर हम एक कासा रेशियो को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल बात है, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पर आपको टोटल डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स दिख जाएंगे, और यहां से अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको मिलेगा कासा रेशियो ऑफ 46.4%। बहुत सिंपल है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत लोग कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के डर जाते हैं, तो यहां पर डरना नहीं है, आराम से अगर आप डेटा देखेंगे तो ये आपको कंपनी के ऐसे कई सारे राज बता देगा जो आपको कंपनी के और कंपनी के स्टॉक
आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर एसेस करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। तो इसीलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, उससे डरना नहीं है। अगर आप धीरे धीरे सीखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं और इन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं और इन्हें एनालिसिस में कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप वो डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं। और इस वर्कशॉप में रजिस्टर करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। और आपके रेफरेंस के लिए मैं इसे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। और उसके बाद बैंकिंग कंपनीज को एनालाइज करते टाइम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो हमें बैंक के ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बताता है। और ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना कम हो सकता है उतना बैंक के लिए बढ़िया है। सिंपल सी बात है, इनकम ज्यादा होना चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए। और IDFC फर्स्ट बैंक के केस में ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो लास्ट 4 ईयर्स में 95% से रिड्यूस होकर 72% तक आ गया है और प्रेजेंटली ये अराउंड 72.3% के आसपास है। और IDFC फर्स्ट बैंक ये भी बताता है कि ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है ये स्केल के साथ आगे और भी कम हो सकता है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर द बैंक। तो उसके बाद चलिए बैंकिंग के रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बैंक डिपॉजिट्स लेता है और लोन्स देता है, इनमें से ज्यादा ट्रांजैक्शन क्या बैंक रिटेल कस्टमर्स के साथ करता है या होलसेल कस्टमर्स के साथ करता है, होलसेल यानी कॉर्पोरेट्स के साथ करता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जनरली रिटेल कस्टमर्स का जो ट्रांजैक्शन टिकट साइज होता है वो छोटा होता है, यानी रिटेल कस्टमर्स छोटे लोन लेते हैं और जब भी डिपॉजिट भी रखते हैं तो छोटा डिपॉजिट्स रखते हैं, जैसे कि 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख एंड मे बी हो सकता है अप टू 1 करोड़। और वही जो होलसेल या कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं बैंक के, उनका टिकट ट्रांजैक्शन साइज बड़ा होता है, यानी उनके डिपॉजिट्स भी बड़े होते हैं और वो जो लोन लेते हैं उनका भी साइज बड़ा होता है, मे बी 100 करोड़ हो सकता है या 1,000 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन बैंकिंग में ये माना जाता है कि बैंकिंग का बिजनेस जितना ज्यादा रिटेल ओरिएंटेड होगा उसमें सेफ्टी भी उतना ही ज्यादा होगा, और वही कोई बैंक जितना ज्यादा होलसेल या कॉर्पोरेट ओरिएंटेड होगा वहां पर रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। और ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए रिटेलर्स ने लोन लिया, 100 रिटेलर्स ने 10 रुपए का लोन लिया, यानी बैंक ने टोटल 1,000 रुपए का लोन दिया, और इसमें से अगर एक दो भी डिफॉल्ट कर देते हैं तो बैंक को उतना नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा डिफॉल्ट्स के रूप में लॉसेस हुए हैं उसको वो आसानी से अपने इंटरेस्ट के प्रॉफिट्स में रिकवर कर लेगा। लेकिन वही होलसेल में क्या होगा, अगर मान लीजिए 500 रुपए के 2 लोन लिया है किसी बहुत बड़े बड़े कंपनीज ने और उसमें से अगर एक भी डिफॉल्ट हो जाता है तो ये बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग हो जाता है, और कुछ बैंक्स को तो पास्ट में डू और डाई वाला सिचुएशन आ गया था। और इसलिए बैंकिंग बिजनेसेस को एनालाइज करते टाइम बैंक्स का जो रिटेल और होलसेल बिजनेस का मिक्स कितना है उसे भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर आप डिपॉजिट्स की बात करें तो दिसंबर 2018 में इस बैंक के 73% ऑफ द डिपॉजिट्स कॉर्पोरेट से आते थे या होलसेल से आते थे और सिर्फ 27% ऑफ द डिपॉजिट्स रिटेल कस्टमर्स से आते थे। और उसके बाद बैंक ने धीरे धीरे अपने रिटेल डिपॉजिट्स को बढ़ाना शुरू किया और प्रेजेंटली यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर में 77% ऑफ द डिपॉजिट रिटेल कस्टमर्स का है और 23% ऑफ द डिपॉजिट्स होलसेल से आता है। और उसके बाद अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के लोन्स को एनालाइज करेंगे तो पास्ट में आपको ये दिखेगा कि इस कंपनी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन्स दिए थे उनमें से कहीं सारे लोन्स डिफॉल्ट हो गए थे, एंड ऑफ कोर्स ये मर्जर से पहले हुआ था और मर्जर के बाद IDFC फर्स्ट बैंक को ये बर्डन बेयर करना। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो 2018 में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बुक है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन्होंने जो लोन दिया था या परसेंटेज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे वो 36.7% था, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली रिड्यूस होकर अभी अराउंड मात्र 1.8% के आसपास है, जो कि बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर आप ओवरऑल एसेट क्वालिटी की बात करें तो बैंक के लेवल पे जो ग्रॉस NPA है या GNPA है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 107 basis points कम हुआ है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3.18% था, जो अभी रिड्यूस होके 2.11% हो गया है। और वही बैंक लेवल पे जो नेट NPA है या NNPA है वो 1.09% से रिड्यूस होके 0.68% हो गया है। और ये ग्रॉस NPA क्या होता है, बैंक ने जो भी लोन्स दिया है उसमें जो परसेंटेज ऑफ लोन्स डिफॉल्ट हो गए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस NPA। और इन ग्रॉस NPAs में जो लोन्स है उनमें से कितने लोन्स को बैंक ने प्रोविजन के जरिए कवर किया है अगर हम उसको माइनस करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा नेट NPA। और उसके बाद देखिए बैंक का जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो पहले 76.49% था, जो भी बढ़ के 84.09% हो गया है, यानी कंपनी के जो लोन्स जो NPA बन चुके हैं उसमें से 84.09% ऑफ द लोन्स जो है वो ऑलरेडी प्रोविजंस के जरिए कवर्ड है। और उसके बाद बैंक ने जो लोन रिटेल, रूरल और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया है उनमें जो डिफॉल्ट हुआ है उसका ग्रॉस NPA लास्ट ईयर 2.03% था, जो अभी रिड्यूस होके 1.53% हो गया है, और नेट NPA 0.73% था, वहां से अभी ये रिड्यूस होके 0.52% हो गया है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द कंपनी। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर
इंडिकेटर्स में कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो वो 1.07% से अभी बढ़ के 1.16% हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.13% से बढ़ के अभी 11.03% हो गया है। एंड जस्ट टू गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव, इसको अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक के पीयर कंपनीज के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो HDFC बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.11% है और ROA 1.98% है, ICICI बैंक का ROE 17.15% है और ROA 1.91% है, कोटक महिंद्रा बैंक का 14.24% और 2.56%, एक्सिस बैंक का 14.54% और 1.43%, इंडसइंड बैंक का 14.45% और 1.72%, IDBI बैंक का 8.34% और 1.18%, एंड एज वी ऑलरेडी सॉ IDFC फर्स्ट बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.03% और रिटर्न ऑन एसेट 1.16% है। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है। तो इस लिस्ट में IDFC फर्स्ट बैंक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सेकंड लोएस्ट है, क्योंकि पहले नंबर पे IDBI बैंक है जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 8.34% है। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी का एरिया है, अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा फोकस करेगा और इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और पुश करेगा जैसा कि अभी ऑलरेडी हो रहा है, ये बैंक के लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद फाइनली मुझे IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखा और वो स्लाइड था मार्केट अपॉर्चुनिटी का इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो देखिए इस चार्ट में ये दिखाया जाता है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके टोटल डिपॉजिट्स है 2,47,855 करोड़ और अभी IDFC फर्स्ट बैंक के पास डिपॉजिट्स कितने हैं 1,71,236 करोड़ के आसपास है, जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स का मात्र 0.85% है और ये डेटा सिर्फ स्केड्यूल्ड बैंक्स का है। और ये जो स्केड्यूल्ड बैंक्स का डिपॉजिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 13.3% के रेट से ग्रो हो रहा है एज पर द RBI डेटा जिसको October 6, 2023 को रिलीज किया गया था। तो अभी यहां पर अगर IDFC फर्स्ट बैंक के डिपॉजिट पोजीशन मात्र 0.85% है तो बैंक को ये लगता है कि अभी भी इनके पास सिग्निफिकेंट रूम है आगे और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए। एंड ऑफकोर्स IDFC फर्स्ट बैंक इज स्टिल अ स्मॉल बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि अभी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 58,000 करोड़ के आसपास है और अभी जो कंपनी कर रहा है अगर वो आगे भी करना कंटिन्यू करता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है, NPS को रिड्यूस करता है और ओवरऑल एसेट क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है तो कंपनी का बिजनेस डेफिनेटली आगे भी ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है। और अगर बिजनेस ग्रो करता है तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट्स के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और अगर प्रॉफिट्स ग्रो होते हैं तो शेयर का जो वैल्यू है वो भी बढ़ना चाहिए। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद।